हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका बिजनेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे में श्री गणेश टायर्स में। इसके ओनर है मिस्टर विलास रेनुसे सर। दोस्तों, सर के बारे में बताना चाहूँगा, इनकी लगभग 11 दुकानें हैं पुणे में। इन्होंने इनके भाइयों में दोस्तों में ऐसी 11 दुकानें शुरू की हुई है और टायर के बिज़नेस का इनको पूरा एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, आज हम सर से टायर के बिज़नेस के बारे में जानकारी लेंगे कि कैसे आप कम से कम बजट के साथ कैसे इस बिज़नेस की शुरुआत कर सकते हैं, इस बिज़नेस में क्या क्या चुनौतियाँ आ सकती है, कैसे आप इसमें कुछ पैसा कमा सकते हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर, हमारे जो देश के जो नवयुवक है ये जानना चाहते हैं इस बिज़नेस के बारे में, तो सर हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। ठीक है, चलेगा ना सर? चलेगा। सर, लगभग कब से आप ये बिज़नेस कर रहे हैं? कम से कम 25 साल हो गए मेरे को ये बिज़नेस करते हुए। अच्छा। मेरे उम्र की 14 साल से मैं वो बिज़नेस कर रहा है। ये हम 4-5 दोस्त मिलके ये बिज़नेस चालू किया था, पहले पार्टनरशिप में। अभी वो आप ही पार्टनरशिप टूट गए, सबके अलग अलग हो गए। अच्छा। सर, अगर हमारे जो देश का जो नवयुवक है जिसको ये बिज़नेस शुरू करना है, तो उसको कैसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? शुरुआत तो पहले वो किसके पास, तो उसको ज़रा थोड़ा सा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। अच्छा। ले आज से कुछ बिजनेस में कोई दिमाग नहीं लगा सकता। सही। कस्टमर को कैसे हैंडल करने का, क्या रेट, क्या चीज़ आती है, कौन सा टायर क्या रेट आता है, ये पहले जानकारी मांगती है। हमने भी पहले 6 महीना बिना तनख्वाह की सीखा है। अच्छा, बिना तनख्वाह का सीखा। हाँ। और सर, अगर किसी को ये बिज़नेस दुकान शुरू करनी है, तो सबसे अच्छी जगह या जहाँ पे चल सकती है दुकान, कहाँ पे है? चौक मांगता है। अच्छा। पॉइंट मांगता है बाबा, ये अपने 4-5 रास्ता एक जगह आते हैं ना, वहाँ पे चौक में करना मांगता है। वो इधर का उधर का सब जगह कस्टमर इधर आना मांगता है। और जो चीज़ देने का कस्टमर को, वो कस्टमर को चूतिया नहीं बनाने का उसमें से। सही है। चूतिया बनाएगा तो वो वापिस नहीं आएगा, क्योंकि आज नहीं तो कल उसको प्रॉब्लम आने वाला है। वो जैसे आपने बताया कि सब फंसाने का नहीं कस्टमर को, तो क्या ऐसे टायर भी आते हैं कि जो जिसमें कस्टमर का नुकसान हो सकता है या फिर चलते नहीं जा रहा? वो टायर का बात ऐसा नहीं रहता। अच्छा। उधर भी कुछ झोलमाल करती है। क्या रहता है, सेकंड टायर कंपनी रिजेक्ट करती है ना, वो टायर नहीं लेने का। अच्छा। वो टायर जो मार्केट में आते बहुत आधा भी क्या करती है कंपनी का ये टायर बन गया तो उसको वापस बनाने के लिए उतना ही खर्चा आता है कंपनी को। अच्छा। बराबर है। तो वो कंपनी रिजेक्ट करती है टायर। अच्छा। तो वो क्या करती है, जितने खर्चा है उतने में बेचती है वो, तो वो मार्केट में बहुत ज़्यादा आता है टायर। अच्छा, वो रिजेक्ट टायर भी मार्केट में बिकते हैं। कंपनी लॉस का है को, वो 900 रुपये में टायर बन गया तो कंपनी वापस नहीं ना 900 रुपये खर्चा करेंगे, 1800 रुपये जाएगा ना वो। सही। वो कंपनी क्या करती है, थोड़ा सा 800-600 रुपये बेच देती है वो। वैसे खरीदार बहुत रहते हैं। अच्छा। 500 टायर 1000 टायर कंपनी वो ऐसा ही बेचती है। अच्छा। वो टायर कैसा रहते है, कोई करते है बिजनेस। अच्छा। अपन ये वैसा बिजनेस नहीं करते, अपने कस्टमर मांगता है, नाम मांगता है मार्केट में, लेकिन कस्टमर को अभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, 4-5-6 महीने के बाद यूज करेंगे तभी प्रॉब्लम आएगा वो। अच्छा। फिर भी सर, कितने तक भाड़ा चल सकता है इसमें? इसमें ना अभी के क्या है, जिनका धंधा करने का हिसाब, कोई अभी मैंने कितने 10 टायर से धंधा चालू किया था मार्केट में, वो कितना टायर से करेंगे उसके ऊपर है। अच्छा। कितना बड़ा दुकान लेने का, कितने से चालू करने का, बड़ा करने का रहेगा तो 40-50 हज़ार रुपये भाड़ा तो रहेगा ही। अच्छा, मतलब बड़ा काम करना है तो। हाँ। छोटे से ऊपर जाने का रहेगा तो छोटे 10-15 हज़ार का दुकान लिया तो भी चल सकता है। बराबर। ऐसा कुछ नहीं कि बड़ा ज करो, छोटे से ऊपर जाएंगे तो भी बड़े बन तो सकते हैं। बढ़िया है। फिर भी सर, छोटे से शुरुआत करेंगे तो कितने टायर रखने चाहिए? कम से कम 10-20 रखेंगे तो भी चले सकेंगे, 15-20 हर गाड़ी का 2 टायर रखने का। अच्छा। इसे चालू करने का धंधा। बराबर। क्या एक साथ में तुमको तुम्हारा 4-5 तक टायर नहीं जाएगा? सही है। तो 20 टायर के साथ? हाँ, 20-25 टायर के साथ किया तो भी चलेगा। बराबर। ऐसे नहीं कि वो 200-400-500 टायर ले और कर चालू कर। बराबर। कम से कम टायर में भी हो सकता है चालू। सही। अरे अभी क्या सबको ज़रूरत है, सबके पास दो तीन गाड़ी तो रहती है। सही है। कस्टमर को
अच्छा बोलने का, इधर सर्विस अच्छा देने का, कस्टमर किधर जाएगा, नहीं तुमको जो वापस जाएगा, कितने बड़े शोरूम में भी नहीं जाएगा फिर, कितना भी बड़ा शोरूम रह लेंगे। और फिर भी सर अभी जो अगर 24-25 में किसी को अगर करना है, शुरू करना है, छोटे से शुरुआत करना है जैसे 25-30 टायर के साथ, तो कितना इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? इन्वेस्टमेंट कम से कम 1 लाख रुपए तक हो जाएगा। अच्छा, कम से कम। क्या मालूम है क्या, ये कॉम्प्रेसर लेना पड़ता है, कॉम्प्रेसर लेना पड़ता है। अच्छा, फिर टायर रखना पड़ेगा, दुकान का डिपॉजिट देना पड़ेगा, डिपॉजिट। हाँ, 1-1.5 लाख रुपए से कर सकते हैं, 1-1.5 लाख में कर सकते। हाँ, कम से कम, कम से कम। सिर्फ टू व्हीलर के टायर से भी शुरुआत? हाँ, टू व्हीलर के टायर से कर सकते हैं। टू व्हीलर बोला ना, बड़ा करने का रहे तो बड़ा का अमाउंट भी बड़ा लगेगा ना, बड़ा लगेगा, सब कुछ बड़ा। सीआर में बोलने का, कोके में बोलने का, कोके में ऐसा नहीं चल। और सर जैसे शुरुआत करेंगे 25-30 टायर के साथ, तो क्या कामगार वगैरह रखना जरूरी है इसमें? नहीं, मैं बोला ना पहला अपने को थोड़ा बहुत आना जरूरी है। अच्छा, कि इतने के लिए 25-20 टायर के लिए एक आदमी रखेंगे तो परवड़ेगा नहीं, वो कामगार क्या 5-6 हज़ार रुपये में आएगा नहीं, 15,000-20,000 रुपये पेमेंट मांगते हैं। सही, तो अकेला आदमी 25-30 टायर के साथ एक वो उतना संभल सकता है? अच्छा, संभल सकता है, 200 टायर तक संभल सकता है, 200 टायर तक। हाँ, अकेला आदमी, उसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा रहेगा, पाना पीना दे इधर ये करो टायर करो, तो उसको कुछ मालूम नहीं रहेगा ना, कामगार लोग चूतिया बनाते हैं फिर बाद में। बराबर। और सर ये अभी आपके पास सीएट का टायर है, एमआरएफ का भी है, तो कौन से टायर रखने चाहिए शुरू में? कंपनी ब्रांडेड जो मार्केट में क्या चलता है, ये पहला दिमाग में रखने का, अपने को ब्रांड बेचने का है। लोकल बेचेंगे तो कस्टमर तो लोकल वाला आएगा, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। अच्छा, क्योंकि वो लोकल वाला टायर कितना चलेगा, 1 साल चलेगा, 6 महीना चलेगा, वो कस्टमर क्या बोलता है कि बाबा चलो इसके दुकान में डाला था, 6 महीने में ख़राब हो गया टायर, अभी इधर नहीं दूसरे दुकान में जाके डालेंगे, ऐसा कस्टमर बोलता है। और सर ये कहाँ से आते टायर और कितना माल लेना पड़ता है? नहीं, तुम पुणे में कोई ना कोई तो डिस्ट्रीब्यूटर देते ही हो, तो डिस्ट्रीब्यूटर तो बहुत आते हैं, किधर भी मिल सकते हैं। कम मुनाफे पे काम करने का फायदा, ज़्यादा मुनाफे पे करेंगे तो फिर नहीं कस्टमर नहीं आता। कस्टमर को जितना डिस्काउंट देंगे ना, वो कस्टमर रुक के रहेगा। वो सही है। और इसमें टायर के साथ साथ और कुछ बेच सकते हैं? हाँ, बेच सकते हैं ना, ऑयल का भी कर सकते हैं, टू व्हीलर गैरेज भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, अपने करने के ऊपर है बिजनेस कौन सा करने का अपने को। बराबर। टायर के इसमें सीज़न वगैरह रहता है कोई, जहाँ पे सीज़न रहता है? एक बारिश के टाइम ज़्यादा लोग चेंज करते हैं टायर, क्योंकि वो बारिश के टाइम स्लिप हो जाता है ना गाड़ी, वो एक महीने का सीज़न रहता है। और सर अगर कोई नया दुकान शुरू करता है जैसे 25-30 टायर या फिर 40-50 जो भी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, तो क्या क्या चुनौतियाँ क्या आ सकती है या समस्या क्या आ सकती है शुरू में? मतलब कस्टमर को कैसी बात करने का ये समझ में आना मांगता है पहला, तो हर तरह का कस्टमर मिलता है अपने को। सही है। कोई कस्टमर सीधा भी रहता है, कोई टेढ़ा भी रहता है। सही है। कुछ रेट कम करके भी मांग सकते हैं, कुछ कोई कस्टमर कुछ बोलता भी नहीं, अपन जितना रेट बोला उतना, वो अपने को अपना दिमाग ठंडा रख के काम करना है। पहली बात, ज़्यादा कस्टमर पे ध्यान नहीं देने का, यानी कि उसकी बातों पे ध्यान नहीं देने का ज़्यादा। सही। वो बोलने से बोलता है, वो उनको बोलने का पूरा हक है। सही। वो कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो उसको बोलने का हक नहीं, अपने को कितना लेने का कितना देने का उनको, वो अपने दिमाग में रखने का। बराबर। और सर जैसे अभी दुकान में लोग टायर लेने आते हैं, तो बहुत बार उनका पुराना टायर भी रहता है, थोड़ा सा अच्छा रहता है या फिर कंडीशन ठीक ठाक रहती है, तो उसका कुछ उसमें कुछ पैसा कमाया जा सकता है? नहीं, वो क्या रहता है माले में, क्या कभी कभी आप किसके पास पैसा नहीं रहता, वो निकाल के डाल सकते नहीं क्या, उसने बदली किया और इधर ही छोड़ गया, तो एक आधा कस्टमर का कि बाबा थोड़ा सा अच्छा टायर है, और वो किसके पास पैसा नहीं है, सब लोगों के पास पैसा है ऐसा नहीं है ना। सही। कोई कोई गरीब भी आता है, चलो बाबा ठीक है 100-200 रुपये में डाल देते हैं हम भी उनको, उसका भी 6-7 महीना 1 साल आगे चल जाएगा ना उससे। सही। उसमें कमा सकते हैं ना, अच्छा रहेगा तो, अच्छा रहेगा तो, हाँ खराब रहेगा तो बंगार के भाव में जाता है। अच्छा, खराब रहेगा तो उसको क्या करना पड़ता है सर, पुराने टायर को जो आता है वो गाड़ी का जो पुराना टायर रहता है? पहले कंपनी लेती थी रिप्लेस में, अभी GST का लफड़ा हो गया ना, इसकी वजह से कंपनी नहीं लेती अभी, उसको GST भरना पड़ता है। अच्छा। तो जूने टायर को भी GST भरने का, नया टायर को भी GST भरने का, तो नहीं कंपनी ने बंद कर दिया।
पहले क्या करती थी, 100-150 रुपये कम करके लेती थी वो टायर पहला कंपनी। बराबर, अभी नहीं करती, अभी वो लॉकडाउन से पूरा ये खत्म हो गया है। तो इसको बंगार के भाव में ही बेचना पड़ा। हाँ, 10 रुपये किलो जाता है। 10 रुपये किलो के हिसाब से, 10 रुपये पर टायर के। अच्छा, पर टायर किलो का हिसाब नहीं रहता। फिर भी सर, जैसा आपने बताया 25-30 टायर के साथ शुरुआत करेंगे तो कितना सर धंधा होना चाहिए कम से कम? अभी देखो, 10,000 का भाड़ा लिए, 10,000 का दुकान लिया भाड़े का, तो कम से कम आपने को 5-6 तो टायर दिन में बेचना मांगता है। 5 टायर दिन में बेचना मांगता है, तो भाड़ा निकल के आपने को 200-300 रुपये रह जाएगा। अच्छा, तो वो जैसे महीने में जैसे कम से कम 150 टायर, 100-150 टायर बेचेंगे तो हो जाएगा। अभी सर कुछ लोग मैंने देखा था कि डेट वगैरह देखते हैं, तारीख वगैरह रहता है। तारीख तो 1 साल का पुराना चलता है टायर, 1 साल टायर में ज़्यादा पुराना टायर रहता भी नहीं है। अच्छा, क्या होता है वो सब चेंजिंग हो जाता है माल। अच्छा, जो कोने में दुकान है ना उसके पास ही मिलेगा तुम। अच्छा, जो अंदर कोने में है। हाँ, क्योंकि वो टायर रख रख के रोड पे जो दुकान है उस पर नहीं मिलेगा तुमको जूना टायर। बराबर, ऐसे आल्टी पल्टी हो जाता है माल, इससे नहीं रहता टायर में। नहीं कोई दिक्कत, दिक्कत नहीं तारीख का, 1 साल तक, 1-1.5 साल तक पुराना भी चल सकता है। पुराना भी चल सकता है। इसमें फिर भी सर एक अप्रोक्सीमेट मार्जिन कितना परसेंट वगैरह रहता है इसमें? मार्जिन तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेगा तो 10-12% ही देगा तुमको। अच्छा, कंपनी से आएगा तो 20-30% जैसे माल लेंगे उसके ऊपर डिस्काउंट आता है। अच्छा, और कंपनी से लेना है तो कितना खरीदी करना पड़ता है? कंपनी को खरीदी करने के लिए डिपॉजिट देना पड़ता है उसको। डिपॉजिट देना पड़ता है? हाँ, 60-70 लाख का डिपॉजिट रहता है वो। अच्छा, ऐसा नहीं वो कंपनी देगी तुम। अच्छा, तो इसमें लगभग 12-15% के आसपास मार्जिन रहता है। 12-15% रहता है। बराबर। और सर अपना दुकान, नया दुकान चलने के लिए और कुछ तरीका या कुछ, अभी आपने इतने 12 दुकानें शुरू की तो आपका क्या तरीका क्या था नया दुकान सेट करने के लिए? अपना अपनी जबान अच्छी रहेंगे ना तो कस्टमर किधर से भी आए। सही है, कस्टमर को क्या सर्विस मांगता है वो पहला डिपेंड करो, समझ में आता है कौन से कस्टमर को क्या मांगता है, कौन से कस्टमर को क्या मांगता है। सर एक आखिरी सवाल हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए कि अगर ये दुकान, ये बिजनेस कोई शुरू करता है तो आगे जाके कितना कमा सकता है वो? आगे जाके लाखों में कमा सकता है। अच्छा, जो इसका दिमाग तेज चलेगा ना वो बहुत कम आए, लेकिन दुकान डाला है और मैं इतने कुछ बेचूंगा तो ऐसा रेट लेके बैठेंगे तो होएगा नहीं वो। अच्छा, वो कस्टमर को कम ज़्यादा करके बेचेंगे ना तो कस्टमर आएगा या आएगा। क्या होता है कोई कोई कस्टमर जो अपने को रेट आया वही रेट में मांगते हैं। अच्छा, वो कस्टमर छोड़ने का नहीं, अपने को मालूम है ना ये आज नहीं कमाएंगे तो कल तो दो गाड़ी के लिए तो आएंगा नहीं ना। कस्टमर को वापस नहीं भेजने का दुकान में आया तो तभी धंधा करेंगे अपन। अभी एक टायर में नहीं कमाएंगे लेकिन 2-4 कस्टमर को बोलेगा ना उसमें तो कमा सकते हैं ना। वो धंधे की ट्रिक है वो। कोई कोई कस्टमर क्या है 10-20 रुपये कम रेट में भी बेचते हैं हम। अच्छा, कभी कभी। अच्छा, बेचने की जरूरत पड़ती है, इसमें नहीं बेचेंगे तो उसका जूना टायर निकलता है उसमें कमा सकते हैं ना। बराबर, समझने का कभी कभी, दिमाग भी लगाने का। पहले मैं भी क्या करता है, पहले टायर देखता है गाँव कस्टमर का, अब क्या है इसमें अभी नहीं कमा सकते तो इसमें तो कमा सकते हैं ना। बराबर, कमा सकते हैं कि नहीं? सही है, फिर ये जाने दो ना इतने में गया तो वो इसमें उससे जो नया टायर से ज़्यादा कमा सकते हैं इसमें। बराबर, ऐसा भी कर सकते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। सही, फिर धंधा करने का तरीका अलग होना मांगता है आदमी का। बराबर, तो ये समझ होनी चाहिए। हाँ, धंधा करने का तो वो समझना मांगता है आदमी को, तभी तो वो आगे जाएगा ना। बराबर, वैसा आगे थोड़ी जाएगा कि मैंने नया टायर है इतने में आता नहीं उसको कैसा बिठाऊँ, ऐसा बोलेगा तो वो धंधा ही नहीं कर पाएगा। वो धंधा करने का तरीका मालूम आना मांगता है उसको, इसलिए तो मैं पहले बोला ना कि 6-7 महीने उसको ज़रा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद लोगों को इतना डिटेल में जानकारी देने के लिए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर।